इसराइल ने सीरिया के दो एयरपोर्ट पर हमला किया है, अलेपो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि दमिश्क अलेपो एयरपोर्ट पर हवाई सेवा ठप हो चुकी है। सीरिया की सेना ने यह दावा किया है। दमिश्क में एक नागरिक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो एयरपोर्ट का रनवे देखिए पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। सीरिया की सेना ने यह दावा किया है। और देखिए इसराइल और हमास के बीच में लगातार जो युद्ध है वो बढ़ता ही दिख रहा है। इसराइल ने सीरिया के दो एयरपोर्ट पर हमला किया है। सात अक्टूबर से अब तक गाजा से लेकर इसराइल तक के आसमान में शोलों की बारिश ने ब्रेक नहीं लिया है। 15 दिनों से लगातार हमास की ओर से रॉकेट के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गाजा के उत्तर में इसराइल के शहरों के ऊपर ये रॉकेट उड़ते हैं। इसराइल का भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करता है और ज्यादातर हमलों को नाकाम भी कर देता है। लेकिन जब हमास ये रॉकेट छोड़ता है तो उसे भी नहीं पता होता कि ये रॉकेट कहां पर फटेगा, किधर गिरेगा, इसराइल तक पहुंचेगा भी कि नहीं, और कहीं रास्ते में ही तो नहीं फट जाएगा। हमास के आतंकी बने भस्मासुर। अपने ही रॉकेट से गाजा पर हमला। हमास के रॉकेट से अस्पताल पर अटैक। मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ। अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में आम लोग और बच्चे मौजूद थे। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस हमले के लिए हमास ने इसराइल पर आरोप लगाया कि इसराइल ने अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमला किया और लड़ाकू विमान से बम गिराया। इसराइल ने भी दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया है कि हमास का एक रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और उसी के रॉकेट से अस्पताल में बड़ा विस्फोट हुआ जिससे आम लोगों की जान गई। अब जरा इसकी पड़ताल देखिए। मंगलवार को शाम के 7 बजे से कुछ देर पहले गाजा के आसमान पर रॉकेटों की बौछार होती है जिसमें से एक रॉकेट रास्ता भटक जाता है और हवा में ही बिखर जाता है और फिर उसी इलाके में एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। ये गाजा का अल अहली अरब अस्पताल है जहां ये विस्फोट हुआ और सैकड़ों आम लोगों की जान चली गई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उन्होंने इसकी पड़ताल की। अस्पताल में विस्फोट से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के एक दर्जन से ज्यादा वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया और दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि हमास का रॉकेट गाजा के अंदर से दागा गया और वो उसी क्षेत्र में हवा में फट गया और रॉकेट का एक हिस्सा जमीन पर गिरा जिससे अस्पताल में विस्फोट होने की सबसे अधिक संभावना है। Comparatively crude, and the failure rate of rockets is high in the best of times, and even for Western militaries, with the very highest, most expensive capabilities. So it is not surprising a number of weapons fail, and it is well known that a number of weapons will drop inside Gaza and do drop inside Gaza and do unfortunately kill civilians in Gaza during these sorts of confrontations. एक्सपर्ट मानते हैं कि रॉकेट के मामले में अच्छी से अच्छी सेना में भी नाकामी की संभावना बनी रहती है, लेकिन गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में सिर्फ वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए जमीन पर फॉरेंसिक सबूतों की जरूरत होगी और युद्ध के बीच में जमीन पर सबूतों को ना तो हमास साझा कर रहा है और ना ही हमास के दिए सबूतों पर विश्वास किया जा सकता है।
अब एक और वीडियो सबूत देखिए। मंगलवार की शाम 7 बजे से ठीक पहले का ये वीडियो चैनल 12 के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ और चैनल का दावा है कि हमास का ही रॉकेट हवा में फटा और फिर अस्पताल में विस्फोट हुआ। You see the time stamp on this, it's 6:59 and this is when it happens. We can press play on the tape and you can see very clearly. Again, this is channel 12's camera. You can show that you can see the rockets. This is the left red stamp. Fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is proof of the fact that it came from the Gaza Strip. इतना ही नहीं, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मैप जारी करते हुए दावा किया है कि गाजा के भीतर से हमास और इस्लामिक जिहाद ने जितने रॉकेट दागे उनमें से 6% से ज्यादा रॉकेट गाजा की सीमा में ही गिरे और गाजा पट्टी के आम लोगों की जान ले ली। मैप में देखिए, जो पीले निशान दिख रहे हैं वो रॉकेट लॉन्च होने की जगह है, यानी जहां से रॉकेट को दागा गया, और जो लाल निशान हैं उन जगहों पर जो रॉकेट फेल हो गए वो फटे, यानी गाजा पट्टी के अंदर ही। मोसाद के मुताबिक 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच गाजा पट्टी से 7,700 रॉकेट दागे गए, उनमें से 470 से ज्यादा रॉकेट गाजा में ही गिरे। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में जहां से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और किए जा रहे थे उनमें से अधिकतर जगहें बहुत ही ज्यादा आबादी के बीच में हैं, और इस वजह से भी अगर रॉकेट फेल होते हैं तो आम लोगों की जान जाने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। यानी जब गाजा से हमास का इस्लामिक जिहाद के आतंकी इसराइल पर हमलों को अंजाम देने के मकसद से रॉकेट चलाते हैं तो उनमें से कुछ रॉकेट उसकी सीमा में गिर जाते हैं या आसमान में फट जाते हैं, जिससे वहां के आम लोगों को नुकसान होता है। दुनिया में हमास का दुश्मन नंबर एक अगर कोई है तो वो है इसराइल। इसराइल से दुश्मनी में हमास के आतंकी किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास के आतंकियों ने हमला किया उसे लेकर किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब ये बात सामने आई है कि इस हमले के लिए हमास कमांडरों ने अपने आतंकियों के दिमाग में ऐसा जहर भरा था कि इंसान कुछ ही मिनटों में हैवान बन जाता है। इसराइल पर हमले के लिए आतंकियों को नशे की एक खास डोज दी गई थी ताकि वो इसराइल में जाकर शैतान बन जाए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तो इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने 6 युद्ध पोत तैनात किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, चीन ने पश्चिम एशिया में ये युद्ध पोत यहाँ पर देखिए तैनात किए हैं। तो चीन ने 6 युद्ध पोत तैनात किए हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, चीन ने पश्चिम एशिया में ये युद्ध पोत तैनात किए हैं। हमास का कोकेन वाला प्लान। नशे में नरसंहार की साजिश। सात अक्टूबर को इसराइल में कत्लेआम के लिए हमास ने जो खूनी प्लान बनाया था वो इतना खौफनाक था कि कोई हैवान भी अपने होशो हवास में उसे अंजाम न दे पाए। शायद इसलिए हमास के कमांडरों ने अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि शैतान भी शर्मा जाए। एक
रिपोर्ट में ये पर्दाफाश हुआ है कि 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास ने कैप्टागन ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। आतंकियों को इजराइल भेजने के लिए उन्हें कैप्टागन ड्रग्स की डोज दी गई थी। इसराइल की सेना ने जिन हमास आतंकियों को मार गिराया उनकी जेब से कैप्टागन ड्रग्स की गोलियां बरामद हुई थी। कैप्टागन एक साइको एक्टिव ड्रग है और ये बेसिकली समझिए ब्रांड नेम है फेनिटाइलिन का, और ये ड्रग जो है ये एम्फिटामिन लाइक ड्रग्स के ग्रुप में आता है। 1960 में सबसे पहले एक जर्मनी की फार्मा कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था, उसके बाद तमाम देशों ने इसको 2011 के बाद बनाना बंद कर दिया। इसका बेसिकली बेसिक यूज जो था अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर, नार्कोलेप्सी जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर CNS स्टिमुलेंट अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने के लिए इसका उपयोग होता था। 2011 से करीब करीब सभी देशों ने इसका उत्पादन बंद कर दिया, बट अभी भी मिडिल ईस्ट में कई देश हैं जो इसको एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की तरह से यूज करने के लिए इसको बना रहे हैं और इसकी स्मगलिंग भी हो रही है। यानी हमास के कमांडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो नफरती प्लान बनाया है उसे कोई इंसान अपने होश व हवास में अंजाम तक पहुंचा नहीं सकता। ये प्लान कितना खौफनाक था अब जरा वो देख लीजिए। हमास के आतंकियों ने एक साथ 3 रास्ते से इसराइल पर धावा बोला था। 7 अक्टूबर को एक साथ हमास के सैकड़ों आतंकी समंदर, जमीन और आसमान के रास्ते इसराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए थे। इसराइल की अभेद्य सुरक्षा को भेदने के लिए हमास आतंकियों ने पावर ग्लाइडर्स की मदद ली थी ताकि इसराइल के बॉर्डर पर खड़ी मजबूत दीवार को वो आसानी से पार कर जाए। हमास आतंकियों ने छोटी छोटी समुद्री बोटों पर सवार होकर आतंकी टोली बनाई थी ताकि वो समंदर के रास्ते इसराइल की सीमा में दाखिल हो पाए। यही नहीं, कई जगहों पर तो उन्होंने इसराइल के बॉर्डर पर गोलीबारी और खून खराबा करके एंट्री पाई थी। इसराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को पता था वो जो करने जा रहे हैं वो आत्मघाती है, क्योंकि एक बार इसराइल की सीमा में घुसे तो उनका जिंदा रहना नामुमकिन होगा। फिर भी इसराइल के खिलाफ युद्ध किया और जंग छेड़ा और हमला किया और नागरिकों की जान ली। दरअसल इसके पीछे एक ड्रग काम कर रहा था जो दिमाग बदलने के लिए हमास ने इन आतंकियों को दिया था और इसका नाम है कैप्टागन ड्रग। कैप्टागन ड्रग्स ये एक सिंथेटिक एम्फेटामिन प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है जिसे दक्षिणी यूरोप में गुप्त रूप से बनाया जाता है। इसे गरीबों की कोकीन भी कहा जाता है। तुर्की के रास्ते से अरब मुल्कों के बाजारों में इसकी तस्करी की जाती है। मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए कि जिस ड्रग्स की डोज हमास के आतंकियों को दी गई थी वो कैसे किसी भी इंसान को फिदाइन बना सकती है। कैप्टागन एक साइको एक्टिव ड्रग है, खास करके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है। लगता है कि हमास के जो ये टेररिस्ट थे उन्होंने भी इसका कंजम्पशन किया था, जिसकी वजह से लोगों को देर तक नींद नहीं आती है और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन इतना स्टिमुलेट हो जाता है। एम्फेटामिन जैसे एक ड्रग है उसी की तरह सिमिलर ये वर्क करता है। फेनिटाइलिन है इसका जो केमिकल नेम है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कई टेररिस्ट जो होते हैं जो लंबे समय तक जागना चाहते हैं या अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रखना चाहते हैं वो इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने भी इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया। आतंकियों में कैप्टागन ड्रग्स यानी गरीबों की कोकीन के इस्तेमाल की बात पहली बार साल 2005 में सामने आई। तब पता लगा था कि ISIS के आतंकी अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे ताकि आतंकी वारदातों के दौरान अपने मन के डर को वो दबा सके। लेकिन धीरे धीरे गरीबों की कोकीन का प्रचलन अरब के दूसरे आतंकी संगठनों तक फैला और अब लेबनान से लेकर सीरिया तक के आतंकी संगठनों के गरीबों की कोकीन कही जाने वाली कैप्टागन ड्रग्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथों में ले लिया है। तो इसराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मानवीय मदद भेजी है।
भारत ने वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर से मेडिकल और राहत सामग्री भेजी है। भारत फिलिस्तीन के लोगों के हवाई जहाज से करीब 6.5 टन दवाइयां, मेडिकल उपकरण और 32 टन राहत सामग्री भेज रहा है। वायुसेना का ये विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुका है, जो मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे पर उतरेगा। मानवीय मदद में दवाइयां, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, साफ सफाई से जुड़ा सामान समेत कई जरूरी चीजें शामिल हैं।